हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो मेनली फॉर्मेट स्ट्रिंग्स मतलब स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करना, मतलब उसको मॉडिफाई करना। तो ये पाइथन में हमारे पास इसके काफी टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं। मैं बता देती हूँ फोर टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है फॉर्मेट मेथड को यूज करके, जो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर्मेट मेथड को यूज करके फॉर्मेट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड होता है हमारे पास मॉडुलो ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर होता है, ये हम मैथ्स में यूज करते हैं, मतलब जब भी हम अरिथमेटिक फंक्शंस यूज करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं मॉडुलस, सो परसेंटेज साइन। तो ये जो है इसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, जब हम स्ट्रिंग्स के साथ इसको यूज करते हैं। तो इसको इसके हेल्प से भी हम स्ट्रिंग्स को अपनी फॉर्मेट कर सकते हैं। एक होता है एफ स्ट्रिंग, इसको भी इसके हेल्प से भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। और लास्ट होता है हमारा स्ट्रिंग टेम्पलेट क्लासेस। तो ये क्लासेस होती हैं कुछ, इसके अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स की हेल्प से हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं, बट दीज आर रेयरली, हम इसको कम यूज करेंगे। और सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट मेथड, सबसे पहला वाला। तो इधर मैंने डेफिनेशन लिखी है, फॉर्मेट मेथड जो है वो क्या करता है, हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी उसके आगे हम डॉट लगाएंगे और उसके आगे हम फॉर्मेट लिखेंगे, तो उसके हेल्प से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको पाइथन शेल की हेल्प से ये बताऊंगी कैसे करा जाता है एग्जांपल्स की हेल्प से। तो वैल्यूज कैन बी, इधर मैंने वैल्यूज के आगे डॉट 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 लगा रखा है, दैट मीन्स एन नंबर ऑफ वैल्यूज यू कैन यूज। उसके बाद आता है वैल्यूज आर ईदर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास, जो वैल्यूज है वो कॉमास से सेपरेटेड हो सकती है, अ की वैल्यू भी हो सकती है। की वैल्यू हमारे पास, हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है की वैल्यू क्या होता है पाइथन में, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि हम की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं और सिंपल कॉमा से फॉर्म सेपरेट भी कर सकते हैं अपनी इन वैल्यूज को। किन वैल्यूज को, जो ये फॉर्मेट मेथड के अंदर हमें देनी है ये। तो अब वैल्यूज क्या है, वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, इट कैन बी स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, वट एवर डेटा टाइप यू कैन यूज। अब इस ये जो एग्जाम्पल है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे जो लास्ट में टू लाइन्स लिखी है ये क्या है। द प्लेस होल्डर इज डिफाइंड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं एसटीआर वन का। तो str1 में मैंने क्या लिखा है, पाइथन इज, ये कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है, दीज आर द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब इसके अंदर हम अपना इंडेक्सेस उसको डिफाइन करेंगे। ये बंद करा मैंने कर्ली ब्रैकेट, देन लैंग्वेज, और उसके आगे डॉट लगाया, डॉट के आगे मैंने अपना फॉर्मेट मेथड का सिंटेक्स यूज करा है। तो दीज आर नथिंग बट दीज आर द प्लेस होल्डर, जो कि कर्ली ब्रैकेट्स में हम स्पेसिफाई करते हैं। अब क्या है, द प्लेस होल्डर्स कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग नेम्ड इंडेक्सेस। अब str1 में आप देखेंगे सबसे पहले मैंने नेम लिखा हुआ है उसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आई अंडरस्कोर नेम। तो नेम अभी बताऊंगी, अभी मैं सारा एग्जांपल करके बताऊंगी उसमें पाइथन शेल में। तो आई नेम लिखा है और आई नेम को मैंने फॉर्मेट मेथड में इधर डिफाइन करा है, यू कैन सी। स्ट्रिंग टू में देखेंगे, अब मैंने कर्ली ब्रैकेट में एक जगह जीरो लिखा है और एक जगह वन लिखा है। तो अब फॉर्मेट में मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास करे, मतलब दो वैल्यूज पास करिए, ठीक है। तो दीज आर द नंबर्ड इंडेक्सेस, पहला क्या था नेम्ड, नेम था, दूसरे में क्या है नंबर्ड इंडेक्सेस। नंबर्ड इंडेक्सेस मतलब 0, 1, 2, 3, 4 नंबर है, मतलब उस इंडेक्सेस में हमने नंबर यूज करे। और str3 में जो ये स्ट्रिंग थर्ड है एग्जाम्पल में, पाइथन इज एम्प्टी प्लेस होल्डर है, एम्प्टी प्लेस होल्डर दिया है और फॉर्मेट में मैंने उसकी वैल्यू असाइन कर दी। तो जो लास्ट लाइन है इस स्क्रीन पे, जो लास्ट लाइन आपको दिख रही है, द प्लेस होल्डर कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग नेम्ड इंडेक्सेस, इंडेक्सेस का नेम भी हो सकता है, इंडेक्सेस को हम नंबर नंबर से भी असाइन कर सकते हैं, नंबर्ड इंडेक्सेस हो सकते हैं, और इवन
एंटी प्लेस होल्डर, एंटी प्लेस होल्डर भी हो सकते हैं अगर हमें फॉर्मेट मेथड यूज करना है। तो अब देख लेते हैं पाइथन शेल में हमें कैसे यूज करना है इनको। तो सबसे पहला देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है वो नेम्ड इंडेक्सेस का है। तो मैंने इधर पाइथन शेल में क्या लिया है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग ली है str1, उसमें मैंने क्या मेंशन कर दिया, पाइथन इज नेम लैंग्वेज। अब नेम को मैंने किसमें एनक्लोज करा है, कर्ली ब्रैकेट में, मतलब इधर मैं कुछ और स्पेसिफाई करूंगी। तो मैं अब प्रिंट कराना चाहती हूँ, प्रिंट में मैंने लिखा str1.format, यही सिंटेक्स था हमारा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के आगे डॉट देन फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हम लिखेंगे नेम जो है, नेम लिखा है हमने, नेम की क्या वैल्यू हो जाए वो वैल्यू हम इधर असाइन कर देंगे। अब नेम की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी एनी नंबर, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो इधर मैंने लिख दिया सपोज ऑसम, ऑसम लिखा है मैंने। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो सी, यू कैन सी उसने क्या करा है, स्ट्रिंग वन में जहां पे भी नेम था, जहां पे भी नेम था वहां पे उसने ऑसम मेंशन कर दिया। तो पाइथन इज ऑसम लैंग्वेज। तो ये था नेम्ड इंडेक्सेस, मतलब हमने उस इंडेक्स का नेम दे दिया, प्लेस होल्डर होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स। अब एक और देख लेते हैं, str2 एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसमें भी हम ये लिख लेते हैं पाइथन इज, अब मैं इंडेक्स की हेल्प से बता देती हूँ, इधर 0 इंडेक्स दे देते हैं हम, और इधर लिख देते हैं 1 इंडेक्स, एक स्ट्रिंग 2 ले लिए, उसमें हमने ये एंटर कर दिया। अब प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट str2 डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हम दे देते हैं जो 0 इंडेक्स है उसमें हम चाहते हैं ऑसम ही आ जाए, और जो इंडेक्स वन है, जो 0 इंडेक्स है उसमें ऑसम आ जाए, और इंडेक्स 1 है वहां पे अब कोई नंबर देके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नंबर कोई भी नंबर देते थे, 5 दे देते हैं। सी हेयर, अब रिजल्ट क्या आया, पाइथन इज ऑसम, उसने क्या करा, 0th इंडेक्स पे ऑसम प्लेस कर दिया, और 1 इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या कर दिया उसने, 5 रिप्लेस कर दिया। तो ये होता है हमारा फॉर्मेटिंग। ये कहाँ पे यूज होता है फॉर्मेटिंग, जहां पे भी जैसे हमारे पास प्रोग्राम बना रहे हैं, इधर तो मैं एक ही लाइन लिख रही हूँ, एक ही स्ट्रिंग है, उधर खूब सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, खूब सारे स्ट्रिंग्स हैं, तो उसमें हमें बार बार चेंज ना करना पड़े, तो हम केवल स्ट्रिंग का वेरिएबल लेंगे और उसमें उसका उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उधर हमारे पास ये फॉर्मेट यूज होता है। तो एक तो नेम्ड इंडेक्सेस हो गया, एक नंबर्ड इंडेक्सेस हो गया। अब देख लेते हैं एक जो था हमारा कि एम्प्टी भी हो सकता है वो प्लेस होल्डर। तो मैंने लिखा पाइथन इज, अब इधर मैंने उधर कुछ नहीं दिया, एम्प्टी छोड़ दिया उसको। अब देख लेते हैं प्रिंट करा के, प्रिंट str3 डॉट फॉर्मेट, अब मैं इधर लिख देती हूँ, इजी लिख देती हूँ अगर मैं, तो पाइथन इज इजी लैंग्वेज। तो इन दिस वे यू कैन यूज फॉर्मेट मेथड। अब देखते हैं इस फॉर्मेट मेथड के भी बहुत सारे इसमें हमें वेरिएशन मिलते हैं, तो उनको बहुत सारे हैं, तो जो मेन है वो मैं बता देती हूँ। तो जैसे ऑप्शंस आते हैं, जैसे मैं बता देती हूँ, 3-4 बता देती हूँ, इसमें बहुत सारे हैं लेकिन इतना यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले आता है जैसे बी है, स्मॉल बी, तो इट इज यूज टू कन्वर्ट नंबर इनटू बाइनरी फॉर्मेट। तो बाइनरी के लिए हम यूज करते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में यूज करने के लिए। तो कैसे करेंगे हम इसको यूज, तो मैंने स्ट्रिंग ले ली str, उसमें मैंने लिखा द कन्वर्जन ऑफ, इधर मैंने एक प्लेस होल्डर ले लिया, उसमें
इंडेक्स दे दिया जीरो, दिस इज इंडेक्स, दिस इज नॉट नंबर बट इंडेक्स इज। अब बाइनरी का कैसे देना है, बाइनरी का देना है प्लेस होल्डर में, दिस इज इंडेक्स, जीरो इज द इंडेक्स, देन कॉलन लगाना है एंड देन बी, स्मॉल बी इज फॉर बाइनरी। तो ये मेरा स्ट्रिंग हो गया एक, लेकिन मैं प्रिंट करा के देखना चाहती हूँ कि किस नंबर का चाहिए मुझे। तो मैंने लिखा str.format और इस फॉर्मेट में मैंने दे दिया किसका चाहिए मुझे, सेवन, नंबर सेवन का चाहिए मुझे बाइनरी फॉर्मेट। तो इधर दे दिया द कन्वर्जन ऑफ सेवन इज 111। तो इट इज वेरी सिंपल, माइनस बी इज फॉर बाइनरी। सिमिलरली इधर अगर हम देखें कैपिटल एक्स, दिस कैपिटल एक्स अगर मैं लिखती हूँ, दिस इज फॉर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, एंड स्मॉल ओ, स्मॉल ओ इज फॉर ऑक्टल, डी इज फॉर डेसिमल, और भी है, मैं अभी बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा प्रिंट str डॉट फॉर्मेट और मैं चाहती हूँ 326 का मुझे सॉरी, पहले हमें स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, इधर स्मॉल बी था, स्मॉल बी की जगह हमें कैपिटल एक्स अगर मुझे हेक्साडेसिमल प्रिंट कराना है। तो ये स्ट्रिंग में हो गया चेंज। अब देखते हैं प्रिंट str डॉट फॉर्मेट, अगर किसका देखना है मुझे 326 का, हेक्साडेसिमल में देखना है, तो ये हमारे पास इसका नंबर आ गया। सेम वे यू कैन गो विद स्मॉल ओ, स्मॉल ओ किस लिए यूज होता है, ऑक्टल के लिए, डी इज फॉर डेसिमल, और परसेंटेज साइन होता है, परसेंटेज साइन किस लिए यूज करते हैं कि उसको हम परसेंटेज में, डेसिमल में, परसेंटेज में उसको रिप्रेजेंट कर सके। अब जैसे फ्लोटिंग पॉइंट के लिए स्मॉल एफ हो गया। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस इन दिस फॉर्मेट मेथड, बट बेसिकली हम इनको इन्हीं में यूज करते हैं। कहीं पे हमें एकदम हमें चाहिए कि बाइनरी क्या क्या उसको कोई नंबर है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, जल्दी से स्ट्रिंग में चाहिए हमें, तो वी कैन यूज दिस मेथड, फॉर्मेट मेथड। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।